चलिए बहुत ही तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फोकस अभी क्या था, स्पेस वर्ल्ड को जानने का, अंतरिक्ष की दुनिया को जानने का, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग अंतरिक्ष को देखा तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किसकी की, तो स्पेस टूरिज्म की। तो स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में 5 यात्रियों को लेकर 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की स्पेस शटल यूनिटी गई थी, जिसमें रिचर्ड ब्रांसन इसके डायरेक्टर और वर्जिन गैलेक्टिक के इसमें एक सिरिसा बांदला जो इंडियन गई हुई थी। और फिर 20 जुलाई 2021 को ब्लू ऑरिजिन कंपनी जब बेजस अमेजन वाले उनका जो स्पेस शटल था न्यू शेपर्ड इससे गए थे। तो मतलब है कि स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में पहले 5 स्पेस टूरिज्म यात्री 11 जुलाई 2021 को, जबकि 20 जुलाई 2021 को। फिर बात करते हैं कि स्पेस में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले पुरुष गिरिडीह पटेल का जो 878 दिन तक रहे थे, ये रूसी यात्री। फिर महिला में क्रिस्टिना को जो कि अमेरिकी स्पेस यात्री है। फिर बात जब सिरिसा बांदला की हुई तो हम लोग पहुँच गए कहाँ, तो हम लोग पहुँच गए कि ऐसे अंतरिक्ष यात्री की जिसका संबंध भारत से है। तो पुरुष में राकेश शर्मा जो 2 अप्रैल 1984 को गए थे COST-11 से, ठीक है, ये USSR के सहयोग से गए थे। फिर बात हम लोग कर लेते हैं महिला यात्रियों की, तो उसमें कल्पना चावला का नाम जो जिन्होंने 1997 में, फिर 2003 में जब गए थे तो मिस हैपनिंग हुआ था, 16 जनवरी को उड़ान भरे थे अंतरिक्ष के लिए गई थी, और फिर 1 फरवरी को जब वो वापस आ रही थी तो दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं सुनीता लिन विलियम्स की, 2006 में गई थी पहली बार, ये स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला है, सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला थी, लेकिन इसका ये रिकॉर्ड क्रिस्टिना कोच के नाम चला गया। फिर बात आती है सिरिसा बांदला की, जो कि 11 जुलाई 2021 को इसी स्पेस शटल यूनिटी के साथ गए थे। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, सिरिसा बांदला किससे गई थी, तो स्पेस शटल का नाम यूनिटी था, कभी भी पूछा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग हुई, एक डिफरेंट टॉप बात, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फिल्म का नाम क्या था, चैलेंज, जो कि रूसी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सिपेंको, और 12 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, अंतरिक्ष में हुई थी। इसमें 3 यात्री थे, इस यात्रियों में एक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, जबकि 2, एक सिपेंको जो कि डायरेक्टर, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार इस फिल्म में निभा रही है चैलेंज मूवी रशियन लैंग्वेज की, उसकी यूलिया पेरोसिल्ड जो अभिनेत्री है ये गई थी। इसी पे फोकस्ड ये मूवी है चैलेंज, जो कि रूसी भाषा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग, उस फिल्म का नाम है चैलेंज, और उसके जो अभिनेत्री है वो है यूलिया पेरोसिल्ड, डायरेक्टर है सिपेंको। चलिए थैंक यू, चलिए देखते हैं अंतरिक्ष की दुनिया को एक अलग नज़रिए से। देखिए अलग नज़रिए का मतलब ये है कि जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए स्पेस वर्ल्ड की बात जब भी होगी अंतरिक्ष का, तो हमारे फोकस में क्या आएगा, नासा, इसरो, मोस्टली यही आता है, या फिर रशियन स्पेस सेंटर की बात आती है, स्पेस सेक्टर की बात आती है। तो क्या होता है कि देखिए क्या हुआ कि जब भी स्पेस की बात करते हैं, स्पेस वर्ल्ड की बात करते हैं, चलिए लिख लेते हैं, स्पेस वर्ल्ड मतलब अंतरिक्ष की दुनिया, अंतरिक्ष की दुनिया। अंतरिक्ष की दुनिया में सिर्फ नासा, इसरो या रशियन सेक्टर या फिर चाइनीज जापानीज को जानने से नहीं होगा, जानना क्या होगा इससे अलग के अब पूछे किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा सीखने का मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल 2 हो सकता है, एक नॉलेज प्राप्त करना, अपना जानकारी को सुदृढ़ करना, अच्छा करना, और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल क्या है कि अगर आपके पास कंपिटिटिव एग्ज़ाम देने का मद्दा है, जुनून है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फाइनली अपना सिलेक्शन ले जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। तो मोटिव तो यही होता है। तो चलिए यहाँ बात हम लोग स्पेस वर्ल्ड की कर रहे हैं, अंतरिक्ष की दुनिया की बात जब भी करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि नासा, इसरो, फिर रशियन, जापानी, चाइनीज़ के बारे में जाकर ही जानकर हम लोग रुक जाएँ, या वहीं पर हमारी जो स्पेस सेक्टर की जो नॉलेज है वो ख़त्म हो जाए। एक्चुअली क्या होता है कि स्पेस सेक्टर की बात हम लोग करते हैं तो चलिए कौन किसके लिए कौन सा मिशन है, या फिर कब छोड़ा गया मूनयान, चंद्रयान, या पार्कर प्रोब जो अभी सूर्य के नज़दीक से गुजरा, तो बेसिकली हमारा नॉलेज वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उससे अलग, इसलिए मैंने इसको कहा अंतरिक्ष की दुनिया, क्योंकि उससे अलग कुछ देखते हैं अभी, और अलग ये देखेंगे कि जैसे अंतरिक्ष में क्या, तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला पुरुष, सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला महीना। अब क्या हुआ, जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, जानते हैं, स्पेस टूरिज्म का, स्पेस टूरिज्म। अब स्पेस टूरिज्म की बात करेंगे तो देखिए आपके पास
कुछ अलग मिलेगा। अलग क्या मिलेगा, देखिए स्पेस टूरिज्म की जब बात हो रही है तो जान रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है कि अंतरिक्ष जाने वाला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और एस्ट्रोनॉट्स क्या होंगे तो उनका एक मकसद होगा। मकसद क्या होगा, स्पेस सेक्टर को, स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारियों को कलेक्ट करना, या फिर उस जानकारियों से कैसे मानव का भला हो उसके उस दृष्टिकोण से जो साइंस काम कर रहा है उसमें सहयोग करना। लेकिन यह बात क्या है, बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि स्पेस टूरिज्म की। तो स्पेस टूरिज्म के लिए दो कंपनी है, ठीक है। चलिए तो एक पहले देख ली, एक है वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक एक कंपनी हो गई, ठीक है। ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी जो स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रही है, इसका एक स्पेस शटल है, और स्पेस शटल का नाम क्या है, चलिए यहाँ लिख देते हैं स्पेस शटल, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और स्पेस शटल का नाम है यूनिटी। तो क्या हो गया कि वर्जिन गैलेक्टिक जो है एक स्पेस टूरिज्म को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, कंपनी का नाम हो गया वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक का एक स्पेस शटल है, मतलब अंतरिक्ष यान, जिससे वो पर्यटक को अंतरिक्ष का सैर कराएगा, मतलब अंतरिक्ष में पर्यटन की इच्छा रखने वाले ऐसे पर्यटक यात्री जो अंतरिक्ष जाना चाहते हैं उनके लिए क्या हो, एक स्पेस शटल बना, उस स्पेस शटल मतलब अंतरिक्ष यान, यान का नाम क्या हो गया, तो यह है यूनिटी। और एक जो दूसरा है वह है ब्लू ओरिजिन, चलिए BLU ब्लू ओरिजिन, ठीक है। और इसका भी तो स्पेस शटल होगा, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान तो इसका भी होगा ना। ये कंपनी ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक दो कंपनी होगा, और इसका जो स्पेस, उसका स्पेस शटल का नाम है न्यू सेपर्ट। यहाँ दो चीज़ एकदम क्लियर हो गया, मेरा उद्देश्य यही है कि चीज़ों को इतना आसानी से और सहजता से समझ लेना ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको तो देख रहे हैं ब्लू ओरिजिन, और चलिए तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, थोड़ा सा वो कट रहा था। तो यहाँ क्या है कि स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में जो दो कंपनी की बात हम लोगों ने की वो है वर्जिन गैलेक्टिक एंड अदर वन इज ब्लू ओरिजिन। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है इसका जो स्पेस शटल है अंतरिक्ष, उसका नाम है यूनिटी, और ब्लू ओरिजिन जो है उसके स्पेस शटल का नाम है न्यू सेपर्ड। अब चलिए ये स्पेस टूरिज्म की जब बात कर रहे हैं तो स्पेस टूरिज्म में कि वर्जिन गैलेक्टिक अपना पहला उड़ान कब भरा, पहला उड़ान इन द सेंस कि पहली बार कब वो स्पेस में टूरिस्टों को ले गया, चलिए ठीक है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो 11 जुलाई 2021 को ये 11 जुलाई 2021, और इसके 9 दिन के बाद ये 20 जुलाई 2021, ये है प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन, समझ में आ रहा। देखिए 9 दिन के अंदर ये भी क्या, तो वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है वो 11 जुलाई 2021 को कितना लोग, कितने लोगों के साथ, चलिए यहाँ लिखते हैं पांच लोग इस स्पेस शटल यूनिटी के साथ गए, किससे जुड़े हुए, तो वर्जिन गैलेक्टिक के साथ। और फिर 20 जुलाई 2021 को जो हुआ उसमें 4 लोग गए, ठीक है, किसके साथ, तो न्यू सेफर्ड जो स्पेस शटल था वो ब्लू ओरिजिन कंपनी की, ठीक है, इसके साथ गए। तो अब क्या हुआ, देखिए स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में जब काम बढ़ना शुरू हुआ तो क्या हुआ, 11 जुलाई को 5 अंतरिक्ष यात्री यूनिटी स्पेस शटल के साथ गए, ठीक है। और फिर 20 जुलाई 2021 को 4 अंतरिक्ष यात्री ब्लू ओरिजिन के न्यू सेफर्ड स्पेस शटल से कहाँ गए, तो टूरिज्म के लिए गए। अब चलिए उसमें ये जानना जरूरी है कि जो 5 जन गए उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले रिचर्ड ब्रेंसन ये जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है ना, इसी कंपनी के संस्थापक, फाउंडर, डायरेक्टर, जो बोलना है बोल लीजिए। और ये तो जान रहे ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस, वही एरेजन अमेजन वाले बेजोस, अमेजन कंपनी के जो फाउंडर है ना वो जेफ बेजोस, और इन्हीं की जो कंपनी है ये कौन सी है, तो ब्लू ओरिजिन। और इसमें ये 4 में से 1 यात्री ये भी थे, और यहाँ रिचर्ड ब्रेंसन
इनके डायरेक्टर, ये पांच में से एक यात्री थे। अब फिर जब इन इन पांच यात्रियों की बात आती है तो हमारे जहन में एक नाम आता है और उसका नाम है सिरिसा बांदला। समझ गए होंगे, सिरिसा बांदला इन पांच यात्रियों के साथ, ठीक है। सिरिसा बांदला ये रेड से क्यों, समझ गए होंगे। सिरिसा बांदला क्या है, भारतीय मूल, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर कहाँ तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए क्या हो गया कि जो स्पेस टूरिज्म की बात हम कर रहे हैं उसमें 11 जुलाई 2021 को जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की स्पेस शटल यूनिटी के द्वारा पांच अंतरिक्ष यात्री, इट मींस स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में अंतरिक्ष पर्यटन यात्री ज़्यादा आज रेलिवेंट रहेगा, पर्यटन यात्री, उसमें से एक कौन तो सिरिसा बांदला, ठीक है। और 20 जुलाई 2021 को जो चार अंतरिक्ष यात्री गए ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड स्पेस शटल से, उसमें जेफ बेजोस भी गए थे। जब सिरिसा बांदला की बात कर रहे हैं तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट बात और देख लेते हैं। और क्या देखना है इसमें, देख लेते हैं हम लोग कि जो सिरिसा बांदला एक इंडियन गुंटूर आंध्र प्रदेश से, ठीक है, वो इस कंपनी से जुड़ी हुई वर्जिन गैलेक्टिक से जुड़ी ये सिरिसा बांदला महिला। अब चलिए देख लेते हैं ना कि जब ये बात आ ही गई तो देखते हैं स्पेस सेक्टर में अब तक कितने इंडियंस या फिर भारतीय मूल के लोग स्पेस सेक्टर में मतलब अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ठीक है, तो देख लें, चलिए देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं, स्पेस में अंतरिक्ष में कौन हमारा क्या हुआ था, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको तो दो भाग में बांटना ही पड़ेगा इसीलिए क्योंकि पुरुष महिला की बात आएगी, तो चलिए पहले तो देख लेते हैं पुरुष को, इसीलिए कि सबसे पहला यात्री तो वही थे, ठीक ना। तो यहाँ तो क्लियर है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्पेस सेक्टर में ऐसे एस्ट्रोनॉट की जिसका संबंध इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन से है। तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारे सामने वो है राकेश शर्मा का, जो 2 अप्रैल 1984 को, ठीक है, राकेश शर्मा। देखिए मैंने कहा था शुरू में ही कि बात जब स्पेस सेक्टर की होगी तो हमारा फोकस नासा इसरो में आकर शिफ्ट नहीं होगा, बात वो जानेंगे जो जानना बेहद ज़रूरी है, ज़्यादातर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि स्पेस सेक्टर की बात आएगी तो हमारा फोकस जान रहे हैं कहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो सवाल निरंतर पूछे गए हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, यहाँ इफ वर्ड का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 2 अप्रैल 1984 को गए थे, 2 अप्रैल 1984 ये भारत का पहला एस्ट्रोनॉट 2 अप्रैल 1984 को, और इससे जुड़ा हुआ ये अंतरिक्ष यान भी जानना जरूरी है जिससे वो गए थे, वो था सुयोज T-11। T-11 से, ठीक है, ये निश्चित रूप से किसके सहयोग से, तो USSR के सहयोग से। अच्छा, USSR की जब बात आती है ना तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप जान रहे हैं ये है USSR जो है इसका डिवीज़न हुआ, ठीक है, USSR का डिवीज़न होता है, लेकिन USSR जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही थी तो एक अंतरिक्ष यात्री क्रिकालेव के अंतरिक्ष यात्री थे जो USSR जब था तो वो अंतरिक्ष में गए, लेकिन वो अंतरिक्ष में ही थे और USSR का हो गया 15 टुकड़ा, ठीक है, 15 टुकड़ा हो गया। और अब ये जो USSR देश के नागरिक थे, अब जब वापस आने की स्थिति आई तो वो नागरिक किसके बन गया, रसिया के, ठीक है, रसिया के नागरिक हो गए। तो क्या हुआ कि जो अंतरिक्ष यात्री थे ना, अंतरिक्ष यात्री का नाम था क्रिकालेव को USSR का अंतिम व्यक्ति माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि USSR डिसॉल्व हो गया, मतलब इनका टुकड़ा हो गया और 15 अलग देशों में बट गए, लेकिन चूंकि वो अंतरिक्ष में थे वो वापस आए उससे लगभग 6 महीने के बाद, तब तक USSR का अस्तित्व खत्म हो गया था और बन गया था रसिया, मतलब क्रिकालेव जो अंतरिक्ष यात्री है उसे USSR का अंतिम व्यक्ति
कहा जाता है ना, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट, इसलिए जान लेना जरूरी है। अब चलिए शिफ्ट करते हैं हम लोग कहाँ, तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन। चलिए तो बात कर लेते हैं अब किसकी, महिला की बात जब भी आएगी तो सबसे पहला नाम जो हमारे पास आएगा वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला ये महिला यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री, क्या हुआ कि इनकी जो दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, अब जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये दो बार इन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था, 1997 और 2003 में। चलिए 1997 और 2003 में ही एक दुर्घटना हुई थी, जो इसका जो स्पेस शटल था डिस्कवरी, इसका जो स्पेस शटल का नाम था, नहीं इसका स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था, इसका स्पेस शटल जो था ना कोलंबिया, वो क्या था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। यह 2003 में जब दोबारा इन्होंने उड़ान भरी थी, स्पेस शटल इसका लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, स्पेस शटल जो है इसका नाम कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है। तो ये पहली बार जो 1997 में इनका जो स्पेस यात्रा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 2003 में ये 16 जनवरी 2003 को स्पेस के लिए गई थी, कब, तो 16 जनवरी 2003 को, 16/1/2003 को, और वापस आने के दौरान 1 फरवरी को ही पृथ्वी में प्रवेश करने के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये दुखद बात कि कल्पना चावला वो पहली भारतीय महिला स्पेस यात्री जिनकी 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से जब पृथ्वी में प्रवेश कर रही थी तो दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरा जो है इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है सुनीता लीन विलियम्स। सुनीता लीन विलियम्स, सुनीता लीन विलियम्स जो है ये गई थी 2006 में। कब गई थी, तो 2006 में गई थी सुनीता लीन विलियम्स, गई थी 2006 में। और इसके साथ एक रिकॉर्ड है जो जानना जरूरी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि ये पहली महिला है अंतरिक्ष, पहली महिला एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, स्पेस वॉक, पहली महिला जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, सुनीता लीन विलियम्स जो है 2006 में अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, और ये पहली महिला है जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, ठीक है। इनके पास एक रिकॉर्ड ये भी था कि कई वर्षों तक इनके पास एक रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी। अभी वो तगमा छिन गया, अभी कृष्णा कोच को मिल गया है। तो एक समय यह भी था कि सुनीता लीन विलियम्स सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली थी। सुनीता लीन विलियम्स 2006 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी और पहली बार स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री। और जो तीसरा नाम हमारे पास आता है, तो तीसरा नाम जो है वो तो आप देखिए, सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला, ठीक है। ये तो अब जान रहे कब, 11 जुलाई 2021 को, 11 जुलाई 2021 को। और इसका स्पेस शटल का नाम क्या था, यूनिटी, स्पेस शटल का नाम क्या हो गया, तो यूनिटी हो गया। तो ये जानना जो बेहद जरूरी है, ये डिफरेंट है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग देख रहे हैं ना कि अंतरिक्ष के बारे में देख रहे हैं, बात अंतरिक्ष की हो रही है लेकिन बात क्या हो रहा है, डिफरेंट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। अच्छा एक बात है कि जब अंतरिक्ष की बात कर रहे थे, लिए देख लेते हैं ना कि स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला पुरुष और महिला को देख लेते हैं ना। तो जो सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले पुरुष वो गिनेडी पडालका, चलिए यहीं पे लिख ले क्या, अंतरिक्ष की दुनिया, स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन, सबसे ज़्यादा दिनों तक, दो नाम तो आएगा ही आएगा मतलब पुरुष और महिला का, तो जो सबसे ज़्यादा 878 दिन का रिकॉर्ड है गिनेडी पडाल का। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री,
ठीक है, इनका रिकॉर्ड है 878 दिन, सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला, 878 दिन का रिकॉर्ड गिनेडी पटाल का। और महिला है क्रिस्टीना कोच, ये नासा से जुड़ी हुई है, क्रिस्टीना कोच, ये नासा से जुड़ी, मतलब अमेरिकी। चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ बात क्या हुई, बात यह है कि सबसे ज़्यादा दिन तक स्पेस में रहने वाले कौन, तो सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले जो पुरुष हैं वो है गिनेडी पटाल का, गिनेडी पटाल का, ठीक है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री, और महिला में क्रिस्टीना कोच जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जो सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। जैसा मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि सुनीता लिन विलियम्स के पास ये रिकॉर्ड बरसों तक रहा, क्योंकि सुनीता लिन विलियम्स सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड चला गया क्रिस्टीना कोच के पास। चलिए, तो अंतरिक्ष से जुड़े बातों में एक जो इम्पॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली एक घटना हुई, ठीक है, यह घटना है कि अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग हुई है ना, डिफरेंट, तो अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, हो चुकी है अंतरिक्ष में फिल्म, है ना, ठीक है, फिल्म शूटिंग अंतरिक्ष में, फिल्म शूटिंग, ठीक है। तो चलिए, इससे जुड़ा हुआ सवाल निश्चित रूप से आने वाले परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सबसे इस पूरे इसमें अभी जो बातें हो रही है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ना, ये है कि इससे तो सवाल अब आने ही वाले हैं, शुरू होने ही वाला है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जो फिल्म था, फिल्म का नाम क्या था। तो फिल्म जो है ये रशियन लैंग्वेज में बनने वाली फिल्म है, और फिल्म का नाम चैलेंज, फिल्म हो गया चैलेंज, रूसी भाषा की मूवी है, जिसकी शूटिंग कहाँ हुई, तो अंतरिक्ष में, ठीक है, यह अंतरिक्ष यान में फिल्म चैलेंज की शूटिंग हुई। और इसमें क्या था कि इसमें यह शूटिंग 12 दिनों तक चला था, ये पूरा जो अभियान था इस फिल्म को लेकर वो चला था 12 दिनों तक के लिए, ठीक है, और इसमें 3 लोग शामिल थे, 3 यात्री बोलिए, इसीलिए यात्री, 3 में से जो एक हो गए, एक कौन हो गए, तो अंतरिक्ष यात्री, जो विशेषज्ञ, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट हो गए, जो कि विशेषज्ञ है, इनका फिल्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हो गए 2 जन, अब 2 जन कौन कौन होंगे, एक डायरेक्टर साहब, ठीक है ना, डायरेक्टर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो डायरेक्टर जो थे उनका नाम था सीपेंको, चलिए सीपेंको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, सीपेंको, ये हो गए डायरेक्टर, इसकी तो डायरेक्टर ऑफ द मूवी, रशियन मूवी चैलेंज, हाँ, डायरेक्टर कौन हो गए, सीपेंको, किसकी, तो रशियन मूवी चैलेंज की, जिसकी शूटिंग कहाँ हुई, तो अंतरिक्ष में। और अब इसका जो मतलब एक तरह से समझिए कि मेन किरदार, हाँ, जिसके ऊपर ये मूवी बन रही है, फोकस्ड जिसमें है वो है एक्ट्रेस, है एक्ट्रेस का नाम है यूलिया पेरोसिल्ड, यूलिया यूलिया पेरोसिल्ड, ये एक्ट्रेस है, अभिनेत्री, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका जिक्र करना बिल्कुल ही ज़रूरी था। तो देखिए बात किसकी की, तो बात यहाँ हुई कि अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग हुई है, और उस फिल्म का जो नाम है, फिल्म का नाम है चैलेंज, और जो रूसी भाषा की फिल्म है, ये इस फिल्म की शूटिंग के लिए 12 दिन का अंतरिक्ष में एक अभियान चला, ठीक है, कितना दिनों का, तो 12 दिनों का, और 12 दिनों में इसमें 3 लोग गए, उसमें से एक जो थे वो अंतरिक्ष यात्री विशेषज्ञ, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट थे। और फिर बात आएगी अभिनेत्री की, तो यूलिया पेरोसिल्ड एक अभिनेत्री गई थी, इसके ऊपर ही फोकस्ड यह मूवी, और सीपेंको इस मूवी के डायरेक्टर थे। इसका मतलब जो फिल्म की शूटिंग हुई चैलेंज की, उसमें 3 लोग गए थे अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने के लिए, यूलिया पेरोसिल्ड अभिनेत्री, सीपेंको डायरेक्टर, और अंतरिक्ष यात्री एक विशेषज्ञ थे। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा स्पेस वर्ल्ड को क्या एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पेस वर्ल्ड को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा। तो चलिए, अच्छी तरह से बातें समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है।
चलिए बहुत ही तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फोकस अभी क्या था, स्पेस वर्ल्ड को जानने का, अंतरिक्ष की दुनिया को जानने का, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने अंतरिक्ष को देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किसकी की, तो स्पेस टूरिज्म की। तो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में सेक्टर में 5 यात्रियों को लेकर 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की स्पेस शटल यूनिटी से यूनिटी गई थी, जिसमें रिचर्ड ब्रांसन इसके डायरेक्टर वर्जिन गैलेक्टिक के, इसमें एक सिरिसा बानला जो इंडियन गई हुई थी, और फिर 20 जुलाई 2021 को ब्लू ऑरिजिन कंपनी जब बेजोस अमेजन वाले उनका जो स्पेस शटल था न्यू सेपर्ड, इससे गए थे। तो मतलब है कि स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में पहले 5 स्पेस टूरिज्म यात्री 11 जुलाई 2021 को, जबकि 4 20 जुलाई 2021 को। फिर बात करते हैं कि स्पेस में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले पुरुष गिरिडीह पटालका जो 878 दिन तक रहे थे, ये रूसी यात्री। फिर महिला में क्रिस्टिना को जो कि अमेरिकी स्पेस यात्री है। फिर बात जब सिरिसा बानला की हुई, तो हम लोग पहुँच गए कहाँ, तो हम लोग पहुँच गए कि ऐसे अंतरिक्ष यात्री की जिसका संबंध भारत से है। तो पुरुष में राकेश शर्मा जो 2 अप्रैल 1984 को गए थे COST-11 से, ठीक है, ये USSR के सहयोग से गए थे। फिर बात हम लोग कर लेते हैं महिला यात्रियों की, तो उसमें कल्पना चावला का नाम जो जिन्होंने 1997 में, फिर 2003 में जब गए थे तो मिस हैपनिंग हुआ था, 16 जनवरी को उड़ान भरे थे, अंतरिक्ष के लिए गई थी, और फिर 1 फरवरी को जब वो वापस आ रही थी तो दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं सुनीता लिन विलियम्स की, 2006 में गई थी पहली बार, ये स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला, सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली ये पहली महिला थी, लेकिन इसका ये रिकॉर्ड क्रिस्टिना कोच के नाम चला गया। फिर बात आती है सिरिसा बानला की, जो कि 11 जुलाई 2021 को इसी स्पेस शटल यूनिटी के साथ गई थी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। सिरिसा बानला किससे गई थी, तो स्पेस शटल का नाम यूनिटी था, कभी भी पूछा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग में एक डिफरेंट टॉप बात, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फिल्म का नाम क्या था, चैलेंज, जो कि रूसी भाषा की फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सिपेंको, और 12 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, अंतरिक्ष में हुई थी। इसमें 3 यात्री थे, इस यात्रियों में एक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, जबकि 2, एक सिपेंको जो कि डायरेक्टर, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार इस फिल्म में निभा रही है चैलेंज मूवी रशियन लैंग्वेज की, उसकी यूलिया पेरोसिल्ड जो अभिनेत्री है, ये गई थी। इसी पे फोकस्ड ये मूवी है चैलेंज, जो कि रूसी भाषा की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि अंतरिक्ष में एक फिल्म की शूटिंग, उस फिल्म का नाम है चैलेंज, और उसकी जो अभिनेत्री है वो है यूलिया पेरोसिल्ड, डायरेक्टर है सिपेंको। चलिए, थैंक यू।